पहले हजार कौन सा पूछेगा? मेरे ख्याल से दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होगा आशीष, एक दूसरे के पीछे ही चलेंगे ये। हो सकता उसी है कि जो आंकड़े हमने देखे हैं, अगर तीसरी तिमाही की मैं बात करता हूं, तो शायद एक्सिस बैंक को थोड़ा समय लगेगा हजार पहुंचने के लिए, आईसीआईसीआई बैंक पहले पहुंच जाएगा मेरे ख्याल से। तो वैसे ही पहुंच चुका है, पर हाँ उसके इसके टारगेट्स भी आ चुके थे मेरे ख्याल से 1100 के आसपास के आईसीसी बैंक के, और अच्छे बहुत अच्छे नंबर्स थे। तो एक्सिस बैंक को डिसअपॉइंटमेंट है और समय लगेगा खैर अब लॉस ग्राउंड को रिगेन करने का, लेकिन दोनों प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के दिग्गज आपके शायद पोर्टफोलियो में होने चाहिए। लेकिन एक्सिस बैंक पे सतपुते साहब आपका कॉल क्या है? ये जो वीकनेस जो आज बढ़ रही है, अब तो मेरे ख्याल से ये दिन के लोज हैं जहां पे एक्सिस बैंक आके खड़ा हुआ है, 6-6.5% का दबाव, कितना और रिवर्सल, कितना और पेन बचा हुआ है, या जो होना था हो गया? आशीष, मुझे लग रहा था कि सुबह इतना सेल ऑफ नहीं होगा, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। मुझे लगा था करीबन 800 के आसपास ये संभल जाएगा, 800 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर थे, लेकिन एक्सपायरी के सामने ये जो प्रेशर, ये जो दब रहा है, उसके चलते मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीबन 760, 755 का होना चाहिए, बशर्ते ये सेलिंग कंटिन्यू रहे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा तो वेट करे। चार्ट बढ़िया है, देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट बढ़िया है ये इंटरमीडिएट करेक्शन से, तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि इसे बाय कहाँ करना है, तो थोड़ा सेटल हो जाएगा अगर मुझे लगता है ये 750, 760 की रेंज में, तो फिर से मुझे लगता है वहां से बाइंग शुरू होगी। फिलहाल के लिए थोड़ा वेट करें। फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट करिए। अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक में इस बीच कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स जो कि बैकफुट पे आते हुए, लुक एट टाटा केमिकल 997, 1.5 रुपये बढ़ता हुआ यह स्टॉक। उसके बाद आप देखिए एग्रेसिव स्टॉक्स में टाटा पावर, ये भी बैकफुट पे आता हुआ। पावर स्पेस में अगर आप NTPC को देखें 1.5 ऊपर, पावर स्पेस में आप BHEL को देखिए 1.5 ऊपर, और कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स जो कि सरेंडर कर रहे हैं उसमें भारत फोर्ज और टाटा पावर, BHEL, आदित्य बिरला फैशन, ये सभी के सभी स्टॉक्स जो हैं वो 1.5 की ट्रेजेक्ट्री में आते हुए। कुछ थोड़े से अगर आप देखें शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं, वो स्टॉक्स जो कि थोड़ा सा अब चाटी के लिए मतलब आप समझ लीजिए कि 3 दिन के पुलबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। जुबिलेंट ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया, कोलगेट ने पार्टिसिपेट किया, HUL ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाए उसमें एक बार आप लेके आइए कैनफिन होम्स। प्रकाश सर, आपकी राय क्या हो कि ये जो अब कैंडल्स जो हैं वो सप्लाई इंडिकेट करती हुई 10-20 का एक नेगेटिव क्रॉसओवर डेवलप होता हुआ इस चार्ट पर, और ये नेगेटिव क्रॉसओवर काफी समय बाद डेवलप हुआ है, आपकी अप्रोच क्या रहेगी कैनफिन होम्स पे? एनी शॉर्टिंग थॉट्स? हाँ, स्लगिश लग रहा है कैनफिन होम्स, स्टॉप लगाइए करीब 660-665 का, और मेरे ख्याल से एक स्लाइड अप डाउन मूव मिल सकता है। टारगेट अगर डाउन साइड करीब 625 के हो सकते हैं कैनफिन होम्स में, क्योंकि स्ट्रक्चर ही थोड़ा बिगड़ चुका है, एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ है कैनफिन होम्स में। कैनफिन होम्स में अगर आप देखें तो एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, 1.5 पर बढ़ता हुआ स्टॉक। और कुछ स्टॉक्स को देखिए, एक बार आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लेके आइए। यस, याद रखिएगा HUL, ये एक बहुत रिस्की स्टॉक बनता हुआ धीरे धीरे। राजेश सतपुते जी, HUL पे आपका टेक क्या होगा? एक काम करता हूँ मैं, जरा अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर जरा एक बार स्पॉट का चार्ट निकाल लेता हूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आपकी स्क्रीन पर ट्रेड करता हुआ स्पॉट लेके आइएगा 1319। ये इसका एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग है राजेश जी, 1315, 1310, 1315 और 1318, ये लगभग 3-4 जो पॉइंट्स हैं इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। यही पिछले 5-7 सेशन के लोज हैं, यहीं पे एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल में आ जा रहा है। शॉर्टिंग थॉट है आपका कुछ इस स्टॉक पे? थोड़ा इलिक्विड होता है ये काउंटर, और खींचता है तो फट करके खींचता है, लेकिन यस, जिनके एक आप ये कह सकते हैं कि इसका ट्रेंड तो वीक है, क्योंकि जो सेल ऑफ था, सेल ऑफ के बाद सिर्फ 2-3 दिन का पुल बैक, लेकिन वो भी कोई खास नहीं था, तो ये प्रोबेबली आप ये कह सकते हैं कि ये 1240 1250 तक की जगह HUL में बनते हैं, लेकिन आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 1335 का। तो 1335 के साथ HUL सेल है फॉर द टारगेट ऑफ 1240 1250। और वीरेन जी, मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहूंगा, आपने पहले जो कैनफिन फाइनेंस की बात की, उसका स्ट्रक्चर बेहद वीक है। मुझे लगता है यहाँ पे जगह जो है सेलिंग के लिए वो ज्यादा दिखती है, डीप दिखती है, प्रोबेबली 600 तक का फॉल मुझे लगता है कैनफिन में आना चाहिए, आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 655 का। सो सेल कैनफिन। ओके, ये आ गया कैनफिन होम्स, और कैनफिन होम्स क्या ये सारे फाइनेंशियल्स जो हैं वीक होते चले जा रहे हैं। तो मैं अभी कुछ देर पहले एक और एक्सिस बैंक के बाद देख रहा था, बजाज फाइनेंस 4.5% का दबाव, ये भी अपने नंबर्स पे, ये नंबर्स तो अच्छे आए थे, नंबर्स के बाद आजकल करेक्टिव मोड आ जाता है, बजाज फिनसर्व उसके चलते फिर दबाव में आता हुआ, तो कई सारे फाइनेंशियल्स जो हैं
वो प्रेशर में आ रहे हैं। इन पे बातचीत करूंगा, लेकिन एक फाइनेंशियल और रडार पे, वो सरकारी बैंक आईओबी, जिसके अभी अभी हम लोग रिजल्ट्स पढ़ रहे थे, तो आईओबी के दूसरी तिमाही के नंबर्स आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएंगे फिर से। इन नंबर्स पे बातचीत करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के डायरेक्टर और सीईओ पार्था प्रतिम सेन गुप्ता सर हमारे साथ जुड़ते हुए। पार्था सर, हाय।